बड़ी सोच ली है सर, कुछ एक्स्ट्रा करना था। आपको आज जॉब कर रहा है ठीक है ना, आज इतना सोच भी काम किया, आज सोचा जा रहा है कुछ दुनिया जो कर रही है उससे कुछ मतलब हटके करेंगे सर और मिलकर करेंगे सर। तो कुछ ज़्यादा अचीवमेंट नहीं है आज मेरे, कुछ टीम सर वगैरह भी है और वो बहुत अच्छा लगता है सर, सोच बढ़िया। और मेन यहाँ पे डेवलपमेंट है, जितने आप डेवलप करेंगे उतने आप आगे बढ़ेंगे। और उससे देख के मेरे दोस्त वगैरह भी पूछे भाई क्या कर रहा है तो बोल नहीं पाता था, आज तो ये क्या ऐसा क्या बात है तुमने, तो मैं बोलना सीखा हूँ। वो देख के उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया ठीक है ना। उसके बाद मेन क्या यहाँ पे डेवलपमेंट है ठीक है ना, उसी के लिए सर मैं डेवलपमेंट के लिए आया था। घर वाले बोलते थे कि तू कुछ कर नहीं सकता ठीक है ना, क्यों घर में बहुत अकेला रहता था, अगर मेहमान वगैरह भी आया तो बहुत कम बात किया करता था ठीक है। बाद वो कुछ पूछते वगैरह तो मुझे उनसे जवाब देने में थोड़ी हिचकिचाहट होती, थोड़ा बोलने में डर सा लगता था, लेकिन सर बहुत अच्छा लगता है कि आज बोलने में उसमें थोड़ा। और कॉलेज में अभी थोड़े दिन पहले सेंड ऑफ था 12वीं का ठीक है ना, उस टाइम में 11वीं में था, तो 12वीं का सेंड ऑफ पीरियड में सर वहाँ पे थोड़ी स्पीच देने का मौका मिला था। तो वहाँ पे ऐसा मौका मिला था कि आप 12वीं के अंदर आप क्लास में कौन ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा अपने आपको देखने को मिला, जैसे 12वीं बच्चे क्या करते कैसे कैसे पढ़ाई की उन्होंने, तो थोड़ा उनके बारे में भी बात करने का मौका मिला था मुझे। और नॉर्मल से सब मतलब बाजू में सामने कोई बात नहीं कर पाया, सब क्लास में जब सामने बैठे थे ना तो फेस टू फेस कोई बात नहीं कर पाया था, सब एक कोने में रह के इधर से उधर बात कर रहे थे। तो मैं अकेला था उस टाइम में, सामने बताया ये बताया नहीं मैं कि सामने था, लेकिन मैं डर निकल गया जिसमें उनके सामने।